अगर तुम अपने क्वांटिटी पे कंट्रोल कर सकते हो तो ईट यू सो मिल मिला हम 30 के हम डेज के आसपास फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर साल में किया है that will define your health. का मतलब ये होता है कि तुम अपनी बॉडी में कोई भी चीज ऐसी नहीं डाल रहे हो जिसमें कैलरीज है सर्टन ड्यूरेशन ऑफ टाइम लाइक टेन ट्वेल्व आवर्स तक उसके बाद तुम्हारी बॉडी एक स्टेज में जाएगी जिसको बोलते हैं फास्टिंग तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है तुम फास्टेस्ट स्टेट में थे और तुम्हारा इंसुलिन लेवल बहुत नीचे था ब्लड शुगर नीचे था तो तुमने कुछ अचानक से मीठी चीज खा ली तो इट विल जस्ट स्पाइक योर शुगर एंड इंसुलिन आई एम नॉट सेइंग कि मत पियो यू हैव योर ओन रिलेशनशिप विद दारू बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसिस यू आर मेकिंग अ चॉइस तो हो सके तो एल्कोहल को थोड़ा अवॉइड करो तो अगर तुम एक काजू कतली खा रहे हो तो इट्स नॉट गोइंग टू कॉज यू ट्रबल बट आपने बाकी का खाना नहीं खाया और आपकी बॉडी को तो फिर भूख लगेगी बहुत ज्यादा तो तुम एक की जगह पे दस काजुतली खा रहे हो मतलब कैलोरीज मैं हूं लता शर्मा आपके साथ इनसाइड आउट के इस नए एपिसोड में हमारे साथ हमारे पुराने गेस्ट आ चुके हैं डॉक्टर उमेश वाधवानी जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और जैसे कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और इसीलिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि त्योहारों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आपकी सेहत कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती है अगर आप बैलेंस में कुछ खाएंगे सभी चीजें बैलेंस में रखेंगे तो आपकी हेल्थ पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा सो डॉक्टर उमेश वेलकम अगेन आप इस शो पे आए और अभी ऐसे लग नहीं रहा कि आप हमारे शो पे पहली बार आए मेहमान वाली फीलिंग आ नहीं रही आपको देखने के बाद मैं हो गया वही दिख रहा है मुझे आई थिंक ऑडियंस ने ज़्यादा किया है बिकॉज यार दो लाख से ज्यादा

पूर्ण माना जाता है इम्पोर्टेंट माना जाता है खास करके खाने के लेकर हर एक फेस्टिवल का अपना खुद शुद्ध खाना रहता है जो चूज किया जाता है जिसकी ज्यादा प्रिपरेशन होती है हेल्दी से हेल्दी इंसान तो खा लेता है चख लेता है इस बीच एज अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हाट विल यू सजेस्ट कि कौन सी चीज खानी चाहिए कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए कौन सी चीज हानिकारक होती है कौन सी नहीं होती है और कौन सी बैलेंस में खानी चाहिए बहुत सारे सवाल है मेरे एक एक करके आप प्लीज बताए रहा था बोला पहले ही स्टेटमेंट में पूरा पूरा हाफना निकल जाएगा जी। But you know, when you were saying इंडिया में फेस्टिवल का मौसम है लगा फेस्टिवल का मौसम तो पूरे पूरे साल चलता रहे साल चलता है सो सभी यूर सही के नवरात्रि गया दिवाली आएगा फिर क्रिसमस आएगा फिर न्यू ईयर आएगा फिर जैन में आएगा मकर संक्रांति पोंगल महाशिवरात्रिंग काजू कतली नहीं खाना है सोन पापड़ी नहीं खाना बट मूंग का हलवा खाना है वहां पे पहुंचे उससे पहले मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यार ये तो चलता ही रहेगा फोर्ड इज इमोशन पुरस इंडिया इज नॉट एक कंट्री वी आर थर्टी प्लस कंट्रीज इन वन छोटा कंट्री और एक स्टेट में भी बहुत सारा स्टेट्स होते हैं एंड हमारा फाइनेंशियल लेवल्स आर अलग अलग जगह पे अलग अलग तो फेस्टिवल इज समथिंग दैट वी समटाइम्स लुक फॉरवर्ड टू कि यार हमें लाइफ की जो जत्तोंद चल रही है जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको बोल बुला के इंटरनली फैमिली में भी जो कॉन्फ्लिक्स है उन सबको बोल बुला के हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की ट्राई करते हैं और अच्छे टाइम में दो चार ही चीजें होती है लाइक तुम पत्ते वत्ते खेल लेते हो गेम खेल लेते हो बातें कर लेते हो मूवी देख लेते हो एंड साथ में खाना खा लेते हो राइट तो one I want to tell everyone कि यार इतना लोड लेने की की भी जरूरत नहीं है। ये आप हैं? हाँ, nice. बोलने ट्राई <laughs> कर रहा हूँ बट देर इज ऑलवेज ए बट देर इज एन एस्ट्रिक्स गिन रहे थे राइट right? गिन के गिन के साल में थर्टी ऑट फेस्टिवल्स आते हैं। थर्टी hmm. मैं दिन की बात कर रहा हूँ फॉर एक्जाम्पल नवरात्रि है तो नौ दिन का फेस्टिवल है okay. दिवाली है तो चार पांच दिन, दिन दिन बाकी के एक-एक एक-एक वाले फेस्टिवल्स right. हैं, so, मिल मिला थ्री हंड्रेड एंड सिक्स में से तुमने थ्री हंड्रेड डेज क्या किया है दैट विल डिफाइन योर हेल्थ नॉट द दर्टी डेज का सेलिब्रेशन आई एम ऑफ सच एव के

वीकेंड है तुम काम से छुट्टी ले रहे हो थोड़ा ऐसे drink, से दोस्तों okay. प्रॉब्लम hey. क्या होता है कि हमें ये भी नहीं कर रहा है और दिवाली पे आके अचानक से हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है कि अब मुझे शुगर फ्री काजू कतली शुगर फ्री काजू कतली कैसे बनेगी hmm. और मजा भी नहीं आएगा खाने में इफ यू टू हैव काजू कतली अच्छे से है तो अगर वंस दिस इज आउट ऑफ द वे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेटिग्रिटी लेट्स से तुमने एक कोचिंग प्लान साइन अप किया मेरे साथ एंड यू आर वर्किंग ऑन योर वेट लॉस जर्नी तो मैं जैन तक यू हैव टू वर्क ऑन योर वेट एंड यू हैव अ स्पेसिफिक टारगेट ना बीच में दिवाली आ गई तो हाउ कैन यू मैनेज योर हेल्दी डाइट ड्यूरिंग दिवाली डू समथिंग विच विल मेक यू लेस ओवर ओके ठीक है तो वट इज द मेजर प्रॉब्लम हम दिवाली और फेस्टिवल्स में सबसे ज्यादा हमारा टेंशन क्या होता है कि हम ओवर ईट कर लेंगे राइट right? hmm. दूसरा हमारा स्लीपैटर्न इरेग्यूलर हो जाता है साथ लेट नाइट तक बैठे हुए बाहर गए घूमने वगैरह hmm. तीसरा थोड़ा एल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह हो जाता है चौथा मूवमेंट के नाम पे नल्ला वी डोंट डोज दीज आर द फोर मेजर थिंग्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल राइट और कुछ तो ऐसा हो नहीं रहा है right. सब लोग जाके गांजा हेरोइन ड्रग्स कर रहे हैं yes. वगैरह ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है वी आर डूंगीज टाइनी थिंग्स राइट इसमें हमेशा बोलता हूँ बट एल्कोहल इन नो अमाउंट इज सेफ फॉर यू नो अमाउंट तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे की ये ड्रिंक ले लो वो बेहतर है बेहतर है आई एम नॉट से मत प्योर यू हैव योर ओन रिलेशनशिप विद बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसिस यू आर मेकिंग अ चॉइस तो हो सके तो एल्कोहल को थोड़ा अवॉइड करो दूसरा ट्राई द राइट फूड तुम्हें जंक खाने का कोई मना नहीं कर रहा है एम नॉट कि तुम अपनी मिठाई मत खाओ या मटरी मत खाओ या तली हुई चीजें मत खाओ या हमारे सिंधी में तो बहुत सारी चीजें तल के रखते हैं you know, हाँ. तो आई एम नॉट से वो मत खाओ आई एम से जो नई खाना चाहिए वो तुम खा रहे हो बट जो खाना चाहिए वो भी तो तुम्हारी बॉडी को दो इट्स लाइक आई एल कम बैक टू द गाड़ी अगेन लाइक इफ यू मर्सिडीज का जीव एगन तुम्हें पता है जो पेट्रोल चाहिए वो भी तो डालो बैलेंस अगेन एंड उससे फायदा क्या होगा ना लता hmm. मैंने, मैं बहुत बार ये बोला भी इंटरनेट पे की योर बॉडी क्रेव फोर थिंग्स विच इट डीड वेन यू डोंट गिव योर बॉडी वॉटर नीड्स री सिम्पल बट इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वो पीपल तुम्हारी बॉडी को जो न्यूट्रियबर हाइड्रेशन इफ यू आर गिविंग इट टू योर बॉडी ऑन अ डेली बेसिस आपको वो कचरा खाने का इतना मन भी नहीं करेगा चाहिए होगा एंड योर ब्रेन नो उसके

अब जैसे कि हमारी ऑडियंस जो काफी हेल्थ फ्रीक होती हैं और जब फेस्टिवल का सीजन आता है तब मन तो सभी का होता है जैसे आपने कहा कि हम अगर 300 दिन मेहनत कर अपने शरीर पे तो जब त्यौहार आएगा तब हम खाने का मन हमें होगा बट स्टिल देयर मस्ट बी सम हेल्दी डाइट टिप्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स दैट वन शुड अवॉइड एंड दैट वन शुड चूज सो व्हाट विल यू गिव एन एडवाइस सी अवॉइड में तो मैं बोल तो दूंगा पर मुझे कि कोई कोई अवॉइड करने वाला है। अच्छा जैसे बो, बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं नमकीन जो आता है वो उसको अवॉइड करो ये तो लोगों को सबको पता है इट्स नॉट अ न्यूज टू एनी ना कि ये सारी चीजें हमें करनी है, बट वो हो नहीं पाती है तो वर्स द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज गिव योर बॉडी सो दैट यू आर नॉट ओवर ईटिंग बिकॉज एक काजू कतली इज नॉट गोइंग टू काज यू ट्रबल एक काजू कतली में 120 से 130 कैलोरीज होती है हम सबको ऑन एन एवरेज 1500 से ढाई हजार तीन हजार कैलोरीज लगती है दिन की. हमें जिंदा रहने के लिए राइट डिपेंडिंग अपॉन योर एज सेक्स हाइड वेट तो अगर तुम एक काजु कतली खा रहे हो तो इट्स नॉट गोइंग टू काज यू ट्रबल बट आपने बाकी का खाना नहीं खाया और आपकी बॉडी को तो फिर भूख लगेगी बहुत ज्यादा तो तुम एक की जगह पे दस काजू कतली खा रहे हो मतलब हजार कैलोरीज गई मतलब दस रोटी ओके यू नो बैलेंस अगेन सो एक हजार, आपको दस रोटी के अंदर एक हजार कैलोरीज मिलती हैं और आपने एक दस रोटी इक्विवेलेंट काजू कतली ऐसे खा ली हे, हे। और उसके बाद तुम छोले भटूरे भी खाओगे ये सब नान भी आएगा पनीर टिक्का भी बनेगा ये भी बनेगा तो

घर की मिठाई तो हम समझ सकते हैं लेकिन उसका क्या करें जो बाहर क्या होता है बाहर का खाना होता है तो ऐसा लोग चूज करते हैं कि चलो घर पे बना खा लेते हैं बट देन स्ट्रीट फूड चार और स्पेशल मिठाइया बाहर की बनी हुई अरे त्योहार तो अरे बहुत अच्छा दिख रहा है वहां पे दुकान पे खा लेते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाए एंड इफ यू आर एनी हाउ क्रेविंग टू ईट स्ट्रीट फूड और चार्ट या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या आप, आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे अगर तुम अपने क्वांटिटी पे कंट्रोल कर सकते हो तो ईट वट एवर ईट अच्छा ठीक है लेटे मैं पानी पूरी खाने गया मुझे पानी पूरी अच्छा लगता है और मैं तीन चार बार रुक सकता हूँ बट अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें मॉडरेशन का या पोर्शन कंट्रोल का सेंस नहीं है देन यू ट्राई चूजिंग लेट से तुम चाट वाले के पास गए हो तो ट्राई अवॉइडिंग कुछ भी फ्राइड डला हुआ सो हैव दही चाट थिंग पे चने हैं थोड़ा आलू है दही है चटनी वगैरह डला हुआ है

पर तो शुगर तो उसमें भी है ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो दिमाग में गोल के पीना पड़ेगा वो क्या है कि फिर बहुत लोग ट्रिगर हो जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं इंडियन मिठाइयों को गाली दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लैक ऑफ लॉजिक जाके खुद भी खाऊंगा एब्सुलटली जैसे कि नवरात्रि में फास्टिंग हुई अब दिवाली आई उसमें भी कई सारे लोग फास्ट रखेंगे तो फास्ट के बाद जब बॉडी को जिस खाने की जरूरत होती है तो पोस्ट फास्टिंग फूड्स जो जो होते होते है, हैं हैं वो कौन से होते हैं जो आपकी बॉडी को रिचार्ज करें और जो सही हो यानी कि आप कुछ भी नहीं खा ले, पूरी और छोले नहीं खा सकते फास्टिंग का so लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि फास्टिंग का मतलब यह है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूं इट ड मीन मैं फास्ट कर रहा हूं है ना फास्टिंग का मतलब ये होता है कि तुम अपनी बॉडी में कोई भी चीज ऐसी नहीं डाल रहे हो जिसमें कैलरीज है दैट टू फॉर अ सर्टन ड्यूरेशन ऑफ टाइम लाइक टेन ट्वेल्व आवर्स तक उसके बाद तुम्हारी बॉडी एक स्टेज में जाएगी जिसको बोलते हैं फास्टिंग स्टेज hmm. जहां पे कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं लाइक योर इंसुलिन लेवल्स को कंप्लीटली नीचे तो उसके भी फिर बेनिफिट्स है नुकसान है जो भी है वो कभी और बात करेंगे बट फास्टिंग इज दैट स्टेज इंडिया में रिलीजियस फास्टिंग जो लोग कर रहे हैं ना उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है hmm. उनको ऐसा लगता है कि हमें जो फास्टिंग में सिखाया गया है कि हमें ग्रेन्स गेहूँ नहीं खाना है डेयरी शायद नहीं खाना है अलग अलग फास्ट के अलग अलग आँग. रूल्स होते हैं नॉर्मल नमक नहीं खाना है तो दैट मीन्स वी आर फास्टिंग एंड देन फल के नाम पे पूरा दिन चर चर चरचर -चर 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 चल रहा होता है दिस वन साबूदाना खिचड़ी साबूदाना वड़ा okay. कुट्टू का आटा बक, uh, क्या बोलते सिंगाड़े के आटे का चीज आलू चिप्स हाँ, राजगिरी के आटे का तो चिप्स खा रहे हो नॉर्मल सोल्ट नहीं है दूसरी वाले सोल्ट की चिप्स खा रहे हो चिप्स तो चिप्स है ना hmm. तो फास्टिंग का पहले लोगों को समझना पड़ेगा फास्टिंग का मतलब तुम डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने हाल पे छोड़ दो hmm. but वो हो वो नहीं रहा रिमेनिंग हंग्री फॉर हाउ मेनी आवर्स व्हाट इज द राइट प्रोसीजर ऑफ फास्टिंग इफ यू कैन टेल एटलीस्ट 16 आवर्स अच्छा 16 प्लस आवर्स भी लोग करते हैं सो so,

Hmm. पर तुम खा रहे हो कुछ भी कैलोरी वाला जा रहा है तो वो तुम्हारा फास्ट टूट रहा है सो hmm. so जो भी तुम बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो फास्टिंग से वो नहीं मिल रहा है okay. तो अगर वो वाला फास्ट तुमने किया ही नहीं है तो तुम फास्ट तोड़ने के टाइम जो भी खाओ मैटर बिकॉज यून फॉलो द रूल्स एन राइट एंड इफ पीपल आर गोइंग तो कैसे करना चाहिए इफ यू आर गोइंग प्रॉपर वे देन यू शुडेंट कंज्यूम एनीथिंग विच इज लोडेड विद सिंपल शुगर दैट्स द मेजर फंडा नहीं करने वाला है बट इफ हैपन्स अगेन एंड अगेन देन इट कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस तो आइडिया ये है कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कार्व या फैट्स एंड फाइबर वाला कुछ खाना चाहिए सो ट्स के साथ एक पोर्शन ऑफ फ्रूट कुड बी अ गुड वे टू ब्रेक यूर फास्ट ठीक है सो रमजान में मैंने बहुत बार देखा है मुस्लिम लोगों को जो उनका जो शाम को फाट टूटता है तो देव नट्स एंडस नो तो दैट्स वन वे टू गो अबाउट इट बट इफ योर मील इज बैलें चीला विद समी ऐसा कुछ खा रहे हो तो इट्स इट्स गुड इनफ एज वेल इमीजिएटली जो शुगर रिलीज करने वाली है और, uh, रोटी, पूरी? रोटी पूरी तला हुआ. अच्छा. तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ना लता यू आर फास्टिंग यू हैव यू आर डूंग मेरी बॉडी में से यू नो एंटी ऑक्सीडेंट का काम हो थोड़ा hmm. फास्टिंग में बट तुम फिर तली हुई पूरी डाल रहे हो तो यू आर एडिंग मोर फ्री रेडिकल्स टू तो योडी सो so, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है ना

जो भी नमकीन आप खाना चाह रहे हो ट्राई मेकिंग इट एट होम बिकॉज आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा कि आपने कौन सा ऑयल कौन सा बेसन कौन सा मैदा यूज़ किया है तुम्हें इन्ग्रीडियंट्स का सब पता होगा दूसरा सेम अप्लाइज टू मिठाइस, मिठाई भी अगर तुम घर पे बना सको अमेजिंग बिकॉज अगेन तुम्हें पता है तुमने कौन सा इन्ग्रीडियंट डाला है और उसको तुम थोड़ा सा और प्रोटीन रिच या नेचुरल शुगर रिच बना सकते हो एंड थर्ड इज़

टीबी पेशेंट डायबिटीज ब्रेस्ट कैंसर इस बारे में लेट्स कम फर्स्ट टू कैंसर पेशेंट जिन्हें ये बीमारी है उनके लिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कौन से सुटेबल फूड्स होते हैं जो कि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और एक सबसे होता है ना कि कैंसर पेशेंट में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उससे फाइट करें आपकी इम्यूनिटी उस कैंसर uh, से फाइट करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि खाना किस तरह से मदद करता है उसमें शुभ so,

You know, वर्ड यूज करना चाहता बट दे जस्ट गो अक्रॉस द हॉस्पिटल बेड्स एंड दे जस्ट टेक क्या खाने का मन कर रहा है यू आर दिन यू शुड बी मेकिंग दिया नहीं जाता हाँ दिया नहीं जाता तो दर्स येटली कैंसर पेशेंट में एपेटाइट लूज होती है बट अगर हम उनको उन, उनकी इम्यूनिटी बेहतर करना चाह रहे हैं सो so देट उनके सेल्स नॉर्मल सेल्स जो कैंसर सेल्स के साथ अच्छे से फाइट कर सके देन वी हैव टू गिव देम रॉ मटेरियल फॉर द राइट इम्यूनिटी अब हाँ हमारे एंटीबॉडीज आर मेड फ्रॉम प्रोटीन्स वो चबा नहीं पा रहे हैं खाना तो उनको प्रोटीन स्मूदीज पिलाओ प्रोटीन पाउडर प्रोटीन शेक पी सकते हैं वो एब्सोल्युटली उनको विटामिन सी विटामिन डी जिंक ये इसके रिच जो भी जूसेस होते हैं उनको सलाइन में डाल के दो या जूसेस में डाल के दो uh, उनके फूड में तुम डाल के दो उनको उनको लाइक like, उनको सॉलिड फूड नहीं जम रहा है तो ये जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं, वो उनको the like hmm. उनको लिक्विड फॉर्म अच्छा में द वे दे लाइक इट जो पे कहा जाता है कुछ भी <coughs> <coughs> लोगो को कहा जाता है और वो वो चीज करते हैं बट

उन्होंने क्लियरली कैंसर के बारे में पढ़ा ही नहीं है hmm. अगर हम कैंसर को थोड़ा सा सिंपल भाषा में डिकोड करेंगे ना कि लेट्स से एक फैमिली है फैमिली में दो बच्चे uh, एक अच्छा वाला बच्चा है शर्मा जी का बेटा टाइप्स लाइक पढ़ाई में भी अच्छा क्रिकेट में भी अच्छा गाना भी गा लेता है गिटार भी बजा लेता है कॉलेज में भी हीरो मम्मी पापा की अच्छे से सेवा करता है सब कुछ एवरी थिंग इज डूइंग राइट एंड दूसरा इज एग्जैक्टली ऑपोजिट पढ़ाई में भी नल्ला गाली गलोच करना जुआ खेलता है सिगरेट फूकता है है ना तो अभी बोलते हैं ना कि एक बुरा एप्पल पूरी कटोरी को खराब कर देता है, है। तो कैंसर इज समथिंग लाइक दैट आपकी बॉडी के ही जो सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन अपने आप रिपेयर नहीं हो पाते हम थ्रू आउट द डे हमारी बॉडी में जो ट्रिलियन एंडियन सेल्स हैं वो वेर एंड टेयर से जा रहे हैं ना हम जिंदा रखने के लिए तो उनका जो मेंटेनेंस होता है वो हेल्दी सेल्स अपने आप कर लेते हैं योर बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग इट But कुछ जेनेटिक इश्यू की वजह से वो कुछ सेल्स अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते रिपेयर नहीं कर पाते तो वो डैमेज रह जाते हैं बुरा बच्चा नाउ दो अच्छा बच्चा एंड स्प्रेडिंग दैट्स व्हाट द स्प्रेड ऑफ कैंसर इज ठीक है सो so, इसके लिए फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं कि किससे कैंसर होता है hmm. इसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन के yeah. कैंसर तो कार्सिनोजन का डेफिनेशन क्या है

नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ अच्छा। इतने सालों से कैंसर का रिसर्च चल रहा है ठीक है तो so जो भी अफवाहें फैल रही है उनको सुन सुन के मान मान के डर डर के जिए तो जिनके बारे में शोर शोर रिसर्च हो रखा है जैसे कि ईटिंग हेल्दी लाइफ ईटिंग हेल्दी एंड बैलेंस डाइट स्लीपिंग ऑन अ रेगुलर टाइम सिक्स टू एट आवर्स रेगुलर बेसिस अगर ये चीजें जिनको हमें पता है कि ये चीजें हमारी हेल्थ को अच्छे से रखेंगी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं और इस पे हमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम ये छोटे छोटे चोसले ढूंढ रहे हैं किसी के घर पर मैं को अभी गाल ही निकली हुई माइक्रोवेव कोई यूज करता है नहीं करता भी है तो सही से यूज करता नहीं उनको लगता है माइक्रोवेव खाना बनाने के लिए नहीं वो खाना गर्म करने के लिए पेट्रियल सोसाइटी मेजरली उसमें से एक और रूट एक एक और स्टेम आया है आगे विच इज कन्वीनियंस से दुश्मनी मर्द किचन में नहीं बैठे हुए हैं ना काम करना पड़ रहा है किसको महिला को है ना तो जहां पे भी कन्वीनियंस आ रहा है ना तो ये अफवाह आ रही है किसी को हाँ। गैस चालू करो वो गर्म करो इससे बैठा कटोरी माइक्रोवेव में कन्वीनियंस आ गया दिक्कत प्रेशर कुकर में जल से खाना बन रहा है प्रेशर कुकर से भी ये तो सोच की बात है लेकिन। हाँ। सोच मुझे है। मुझे ऐसा लगता है लाइक इट्स इट्स वेरी सिली हो सकता है तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव जस्ट मोबाइल फोन्स से कैंसर हो जाएगा हाँ कैसे होगा मोबाइल फोन से Radiations. का तो, हां थोड़ा तो तो माइक्रोवेव का भी वही सेम फंडा आता है ना hmm. के हो जाएगा तो व्हाट आई वांट टू टेल पीपल इज के इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन सारी चीजों से ऑफ कोर्स तुम्हें जो चीजें ग्रेड वन कार्सिनोजन में आती हैं गेट एजुकेटेड अबाउट दैट एंड आर यू अवॉइडिंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ सबको पता है अल्कोहल तो टॉप पे आता है फर्स्ट ग्रुप ऑफ या

मसाले मसाले ये वो रिसेंटली में रिसेंट रिसेंट आया था कि मसाले मसाले में, में। आ, इतने सारे कैंसरस प्रोडक्ट्स <laughs> मिले हैं तो मैं बोलता हूँ हाँ, तो फिर घर पे कूट के बनाऊ मसाला अच्छा आई <laughs> डोंट थिंक सब इंटरनेट वॉरियर्स है ब्रो उनको करना कुछ नहीं है बस बातें जी बट खाने के बारे में अगर जस्ट If I was to tell, like, if you want to be mindful hmm. uh, about cancer

न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट कि महिला और पुरुष को क्या खाना चाहिए जिनसे hmm. वो पर्टिकुलर कैंसर से बच सके या फिर hmm. वो चीजें हो ही ना hmm. क्योंकि दोनों के शरीर अलग होते हैं दोनों के शरीर कहीं न, कहीं ना अलग तरीके hmm. से काम करते बट देर आर सर्टन कैंसर के अलग अलग प्रकार के फैक्टर factor, होते हैं

तो and diet, ये चार उसके रूट में है अगर प्रशन पे काम करना, काम करना है very, very here, uh, जो हमें एच पी वी के बारे मेंज सर्वाइकल कैंसर एंड इट्स प्रिवेंटेबल एच पी वी वैक्सीन

एंड एक्शन एंड रिवॉर्ड का पाथवे शुरू हो जाता है hmm. कि तुम्हें कोई भी चीज से स्ट्रेस हुआ तुम्हें पता है कि ये एक्शन करूंगी तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा विच इज़ डोप में तो दिस इस रिपीट लूप क्यों रिपीट हो रहा है बिकॉज देर इज समर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ डिस्कंफर्ट एडिक्शन फॉल्स अंडर द मेंटल हेल्थ डिजीज एडिक्शन शौक नहीं है ना hmm. लत और आदत के बीच में फर्क होता है ना hmm. तो वो वही है तो मैं अगर addict, addict, तो, uh, call, के मुझे ऐसा लगा था कि यू आई वॉज टू डॉक्टर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जजमेंटल नजरों से देखा जाएगा uh, मैं तो उसको बैठ के मेरा एक्सपीरियंस बताने लगा कि मैं दो हजार नौ से दो हजार ग्यारह आई वॉज अ स्टोनर and i was just absolutely okay you will find your calling and you will come out of this hmm. you don't have to be 100% right all the time we all are dealing with different battles and same happens with people who are going through addictions so uh, it's not as simple otherwise to fir dabbe pe dekh ke hum na kar dete na to right. so there has to be something deeper than that. so it's not simple but yeah, then if we talk about marijuana and hmm. cigarettes hmm. Hmm.

मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर उमेश वाधवानी के जो सोशल मीडिया पेजेस है वहां पे वो न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं सभी को सारी चीजें बताते हैं लेकिन आ, हर सोशल मीडिया में आपने नोटिस किया होगा कि एक गैप है एक डिफरेंस एक डिस्टिंक्शन है वो है म्यूट एंड डेफ पीपल के बीच में और आम लोगों के बीच में जो आम लोग होते हैं वो सुन पाते हैं वो देख पाते हैं वो समझ पाते हैं लेकिन जो म्यूट होते हैं या फिर डेफ होते हैं वो ये नहीं कर पाते और उसी माध्यम को आपने कही कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की है विद अ पेज ऑफ योर्स जो कि एक साइन लैंग्वेज से रिलेट करता है क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में आप यार यारो uh, so, मे मेरे काम शुरू करने का एजेंडा यही था कि आई वॉन्ट टू टॉक टू एज मेनी पीपल एज आई पॉसिबली कैन एंड टेल देम कि यार अपने खाने का ध्यान रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं इट्स सिंपल है तो हमने बोला कि हम लार्ज ऑडियंस तक कैसे पहुंच पाएंगे तो हमने रीजनल जाने का प्लान किया विच वी डिड सो so, हमने सिंधी पेज शुरू किया इंग्लिश पेज शुरू किया हिंदी में वो करता हूँ गुजराती लॉन्च कर रहे हैं एंड देन मेरी भाषाएं खत्म हो गई लाइक अब नेक्स्ट क्या तो uh, हमने टीम uh, डिस्कशन में बैठे एंड देन वी डिसाइडेड कि दर इज वन होल कम्युनिटी जिनके लिए कुछ भी नहीं है इंटरनेट पे वेन इट कम्स टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड देफ कम्युनिटी एंड वी प्लान दिस होल आउट एंड वी लॉन्च आर पेज फॉर न्यूट्रिशन साइंस

इतनी सारी बातें हुई हमारी आज उमेश और इसमें खास करके सभी के लिए फेस्टिवल सीजन के दौरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए पूरा इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है वो हमारे लिए जरूरी था वी इवन स्पोक अबाउट कैंसर सो आप इसे कैसे सम करना चाहेंगे यार सिंपल um, बात लास्ट टाइम हम जब बात किया था तो हमने बैलेंस के बारे में बात की थी राइट इस बार मैं बोलता हूँ कि फोकस ऑन थिंग्स जो हमें करनी चाहिए जी जो नहीं करना है तुम्हें तो ऑलरेडी पता है वो करो मिठाई खाना है खाओ भले थोड़ा माइंडफुल होकर जैसे हमने टिप्स की बट जो चीजें करनी है जैसे कि पानी पीना है अच्छे से प्रोटीन ऐड करना है फाइबर ऐड करना है उस पर भी ध्यान देना है ओनली रिक्वेस्ट आई हैव ऑल ओके और इसके साथ साथ इन्होंने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप ये दी है कि अगर 365 डेज है एक साल में उसमें अगर 30 दिन का जो है त्योहारों का मौसम आ रहा है तो उन मौसम में आप खाना खा सकते हैं आपको जो चाहे वो आप कर सकते हैं लेकिन जो 300 दिन होते हैं उसमें आप अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और आज के इस एपिसोड में हमने इसी बार में बात की है क्योंकि त्योहारों का मौसम है और आप भी सोचते होंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इससे क्या होगा क्या नहीं होगा ऑल्सो कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितनी भी बात हो उतनी कम है तो आज हमने कोशिश की थोड़ी बहुत बात करने की ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इनसाइड आउट के एपिसोड्स और देखने के लिए न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मैं हूं लता शर्मा आपके साथ थैंक यू सो मच